आज गुरुपर्व के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर दिया और साथ ही अपील की कि जो भी किसान पिछले करीब 12 महीने से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर आंदोलन कर रहे हैं वो अपने घर जाएं और पर्व की खुशियों को बांटें। लेकिन किसानों के सबसे बड़े संगठन भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने तुरंत आंदोलन खत्म करने से इनकार कर दिया है और सरकार से बातचीत के बाद ही घर वापसी की बात कही है। वहीं किसानों के साथ कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरने वाला विपक्ष इस फैसले को राजनीतिक चश्मे से देख रहा है और इसे चुनावी फैसला बता रहा है। ऐसे में प्रदेश उत्तर मांग रहा है कि कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान तो हो गया लेकिन किसानों की घर वापसी कब होगी और यह फैसला साफ दिल से लिया गया है या फिर ये चुनावी मजबूरी है। इसी पर हमारे संवाददाता किसानों से बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पर्व पर पीएम ने किया बड़ा ऐलान। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। तीनों कृषि कानून वापस लेगी सरकार। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। किसानों की घर वापसी की खड़ी आए। कहां खत्म कर रहे, किसने कहा आंदोलन खत्म कर रहे? सर प्रधानमंत्री ने सुबह सुबह ऐलान किया है, उनकी बात पे इतना तो यकीन होना चाहिए। नहीं नहीं, हमें तो कहा नहीं भाई, आपका कहीं आंदोलन चल रहा हो तो आप खत्म कर लो। मेरा सवाल आपसे, सवाल भी तो हम बता रहे ना, हमारे साथ तो बातचीत हुई थी। तो ऐसे कोई घर के बाहर नहीं बैठा है किसान, ये दिल्ली ने कह दिया हम चले गए, क्या किसी के रहमोक्रम पर आंदोलन चल रहा? ये आंदोलन देश का किसान चला रहा है, जब तक उसको कागज पत्र नहीं मिलेंगे ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। MSP का गारंटी कानून, 12 महीने से जारी है किसानों की लड़ाई। तो मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है कि बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक है, क्या आप उनकी इसके हार मानते हैं? चलाओ। किसानों में सर कुछ जगह तो बहुत खुश किसान नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो खुशी भी होनी चाहिए, उन्होंने कह दिया तो इजहार कर दिया। सर आपकी मांग थी कि तीनों जो है कानून वापस रहे, अब वो वापस करने की बात आ गई। कागज कहाँ है? कागज दो। और कुछ कहना चाहेंगे आप? अपनी तैयारी ऐसी की ऐसी रखकर हमारा कोई वापसी जाने का प्रोग्राम नहीं है, जब तक उसके कागज नहीं मिलेंगे हमारे लोगों से बैठ कर सरकार बातचीत नहीं करेगी। उसका एक रास्ता बातचीत से निकले। कब बॉर्डर की सड़कें होंगी खाली? कमेटी की मीटिंग चल रही है संयुक्त मोर्चे की, वो क्या फैसला लेगी वो करीब 6 बजे तक अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब जवाब दे देगी। देव दीपावली पर किसानों की दिवाली। प्रधानमंत्री का कुछ खर्च भी नहीं हुआ और इस देश की जनता खुश कर दी, तो बड़ी अच्छी बात है। हम तो इस पहल का हम धन्यवाद करें, स्वागत करें इस पहल। विपक्ष बोला फैसला लेने में हुई देरी। तो सरकार ने उन विवादित कानूनों को अति देर से वापिस लेने की घोषणा की, जबकि यही फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था। सरकार का साफ दिल या चुनाव की मजबूरी। जो लोगों ने माफी मांगी है वो लोग हमेशा के लिए राजनीति छोड़ने का भी वचन दें। ये सोच रहे हैं कि दिखावटी माफी मांग करके ये फिर से या दोबारा आएंगे, ये जनता इनको समझती है और वोट के लिए कानून वापस लिए।